आप वरिष्ठ नेता हैं, नौसिखिया नहीं है। आग में घी डालने का काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शांति बने रहेगी, हर व्यक्ति सुरक्षित है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राज किसने किया, उपलब्ध करवाया है, एक एक आवास उपलब्ध कराया है और तय किया है 2022 तक बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाएंगे। हर गरीब को बिना भेदभाव के शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। विद्युत के कनेक्शन हम लोगों ने दिए हैं और यही नहीं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोई भी गरीब ले सकता है। हर वर्ष ये सुविधा की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रत्येक गरीब को दिया है, प्रत्येक दलित को दिया है। पर अंतर यही है, हमने वोट बैंक नहीं माना, देश का नागरिक मानकर के सुविधाओं ने उपलब्ध कराई है अपनी जिम्मेदारी समझ करके। और दुर्भाग्य इस पक्ष का ये है कि आप लोगों ने वोट बैंक बना करके उनके हितों पर डकैती डाली है, उनको इन सुविधाओं से वंचित किया है। और इसलिए इन सुविधाओं को, इन सब चीजों को, इन सब बातों को मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, नौसिखिया नहीं है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के हिस्से नहीं होते हैं। स्थानीय विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर बैठ करके होना चाहिए। इसमें आग में घी डालने का काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शांति बनी रहेगी, हर व्यक्ति सुरक्षित है और सरकार इस बात की गारंटी प्रत्येक नागरिक को दे सकती है।